क्या बता रहे थे आप, फिर से बताइए एक बार। जी सर, मैं फेसबुक कंपनी से विजय वर्मा बात कर रहा हूँ। सर, आपको फेसबुक कंपनी की तरफ से 12 लाख का इनाम लगा है। सर, फेसबुक कंपनी की तरफ से मुझे इनाम लगा है? जी सर, इसी के अंदर अंतर्गत सर आपको ये कॉल की गई है ताकि हम आपका जीती हुई रकम, जीता हुआ इनाम सर आप तक पहुँचा सके। सर, अच्छा, तो इनाम क्या निकला है? जी सर, मैं आपको जानकारी पूरी देता हूँ। सर, जो भी हमारे फेसबुक जो लोग यूज करते हैं जी, उन्हीं लोग को जो है हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। और इसमें सर इनाम रखा गया था जिसमें जो है महिंद्रा कार निकली हुई है, महिंद्रा एक्सयूवी कार जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। सर, महिंद्रा कार 12 लाख का गाड़ी आप मुझे प्राइस में दे रहे हो? जी जी सर, इसको आप चाहे तो कैश में भी ले सकते हैं, नहीं तो सर हम जो है जो भी लोग कार का डिमांड कर रहे हैं, गाड़ी का डिमांड कर रहे हैं, हम उनको सीधे जो है गाड़ी उनके घर डिलीवरी करवा रहे हैं। सर, अच्छा, तो ये इनाम ऐसे कैसे निकला इनाम, थोड़ा बताओगे? जी जी सर, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सर, जो आपका फेसबुक आईडी है सर, उसी पे सर जब आप फेसबुक चलाते हैं तो उसमें सर आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं ना सर? हाँ, वो तो मैं करता हूँ, जो मुझे पसंद आता है। जी जी, अच्छा, यानी कि शेयर करते हैं। हाँ, लाइक शेयर करने के वजह से मुझे ये इनाम दिया जा रहा है। जी जी, जो लोग ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करते हैं सर, उन्हीं को ये इनाम सर दिया जा रहा है 12 लाख रुपए का। सर, आपको भी इसमें सर लकी ड्रॉ में सर शामिल हो गए हैं। सर, अच्छा, तो आप कहाँ से बात कर रहे हो? जी जी सर, मैं फेसबुक कंपनी हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई से बात कर रहे हो। जी, अच्छा, जी, तो बताइए ये इनाम कैसे मिलेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले सर यहाँ नोट करा दीजिए, सर कार लेना चाहेंगे या फिर 12 लाख रुपए लेना चाहेंगे, कैश लेना चाहेंगे? अच्छा, कार ही सही रहेगा मेरे लिए। जी जी सर, मैं आपको बता दूं सर, आपका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिसमें सर आपका आधार कार्ड नंबर बताना होगा, आपको आधार कार्ड का फोटो जो है स्कैन करके फोटो खींच करके हमें तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। जैसे ही आप सर भेज देंगे उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कम्प्लीट कर लिया जाएगा। आपका आधार कार्ड का जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर, आपको उसका जो है फाइल सर पूरा बना के आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। सर, आप पूरा फाइल आप देख लेंगे सर? अच्छा, ठीक है सर जी। उसके बाद सर जो है आपकी जो है डिलीवरी का प्रोसेस सर आपका शुरू कर दिया जाएगा और डिलीवरी सर आपके घर पे 3 दिन के अंदर सर कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि मैं आधार कार्ड आपको सेंड करूँ और आप लोग खुद से रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे घर डिलीवर कर दोगे? और ये डिलीवर जी जी सर कितने दिन में कर लोगे ये गाड़ी डिलीवर? जी, डिलीवरी का सर मैंने आपको बताया 3 दिन में सर आपके घर पे डिलीवरी सर हो जाएगा, अगर आपका जो है लोकेशन सर जो है नजदीक पड़ेगा तो, नहीं तो सर आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा जी सर, तो उसके बाद तो कुछ करना नहीं ना मुझे, खाली व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट सेंड करना है? जी जी सर, मैं आपको जानकारी सर पूरी दे देता हूँ। सर, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आधार कार्ड का जी, तो सर आपको एक फाइल मिल जाएगी, आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सर आपको एक सर रजिस्ट्रेशन का सर एक छोटा सा चार्ज लगता है सर। रजिस्ट्रेशन चार्ज? जी जी सर, यानी कि ग्राहक है। जी जी जी, और ये कितना है रजिस्ट्रेशन चार्ज बताइए? जी जी, रजिस्ट्रेशन का सर जो चार्ज है वो गाड़ी सर डिलीवरी चार्ज होता है और रजिस्ट्रेशन चार्ज में दोनों जुड़ा होता है सर, वो दोनों सर मिला करके आपका जो है पूरा खर्चा सर जो आएगा वो 16,000 रुपए सर वो होगा। 16,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज जैसे ही सर आप कंप्लीट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और सर गाड़ी आपके घर पे सर डिलीवरी करा दीजिएगा, होम डिलीवरी। अच्छा ठीक है, तो आप जब गाड़ी डिलीवर करोगे तब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट देने से चल जाएगा राइट? नहीं नहीं सर, ये रजिस्ट्रेशन फीस सर जो है ना वो सर पहले ही सर आपको कराना पड़ता है, कंपनी के सर रूल है ये सर। रजिस्ट्रेशन फीस जैसे ही आप जमा करेंगे उसी के बाद ही सर जो है गाड़ी आपके घर पे डिलीवरी हो पाएगी। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज कब देना है मुझे, अभी देना है? जी जी, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको फाइल मिल जाएगा, अपनी फाइल आप चेक कर लेंगे कि आपका नाम और पूरा एड्रेस सही है, तभी सर आप जो है वो चार्ज जमा कीजिएगा। और सर मैं एक जानकारी और दे दूं सर, जो भी आपका जो है आईडी है, फेसबुक आईडी, जो मोबाइल नंबर है सर, इसको संभाल के रखें, जब तक ये सर गाड़ी और पैसा सर आपके घर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है आप अपनी, नहीं तो सर आप किसी और को भी बताएंगे इसके बारे में कि मेरा इनाम निकला है, तो सर वो लोग भी आपका आईडी हैक करके या फिर कुछ भी करके सर वो आपका इनाम सर अपने हाथ ले लेंगे सर। अच्छा, जरूर सावधान है, किसी और को ना बताए इस चीज के बारे में कि मेरा इनाम निकला है। अच्छा ठीक है, समझ रहा हूँ। तो एक काम कीजिए फिर, अगर कैश दे रहे हो तो क्या प्रोसेस है? तो एक काम कीजिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप एक काम करो, ये जो अमाउंट आपने कितना बताया, अगर मैं गाड़ी नहीं लूंगा फिर 12 लाख? जी सर, आप 12 लाख रुपए भी ले सकते हैं, ठीक है? 12 लाख कैश आपको। तो आप एक काम कीजिए फिर, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, 12 लाख में से मेरा पैसा काट के बाकी पैसा मेरे अकाउंट में सेंड कर देना, ठीक है? नहीं नहीं सर, वो पैसा सर उसमें से नहीं कट हो पाएगा, वो सर आपको पहले सर जमा करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर आपका पहले होगा, उसके बाद ही सर आपका जो है ना अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा। अच्छा, यानी कि मैं अभी आपको पैसा सेंड कर दूं और ऐसा ना हो कि मुझे कोई मिला नहीं, नाम आया नहीं मेरे घर पे डिलीवर, तो फिर? जी सर आपको पूरा कंपनी का प्रूफ दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर आपकी फाइल बनेगी सर। अच्छा, ऐसी बात करें सर, आपके साथ कोई सर धोखा नहीं होगा, आपका बिल्कुल इनाम सर निकला हुआ यहाँ पे, आप अभी देख लीजिएगा जब आपकी फाइल बनेगी तो।
अच्छा, ये प्रूफ क्या सेंड करोगे आप, डॉक्यूमेंट्स? जी जी आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा और कंपनी का भी जो है पूरा, जो है पूरा जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर, आधार कार्ड नंबर, सब सर हम अपनी कंपनी का भेज देंगे सर, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो आपने अपना नाम क्या बताया था अभी? जी विजय वर्मा सर। अच्छा विजय वर्मा जी, आप कहाँ से हो, मुंबई कहाँ में आपका ये ऑफिस? जी मुंबई बांद्रा से सर मैं बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस से, मुंबई हेड ऑफिस से। अच्छा मुंबई, मुंबई बांद्रा से, राइट? जी जी। तो एक काम कीजिए, ठीक है, आप अपना लोकेशन दीजिए, एड्रेस दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन से कुछ बंदों को वहां पर भेज के गाड़ी ले लेता हूं, आपको कोई डिलीवर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर, पुलिस स्टेशन मतलब? हाँ मैं तो एक पुलिस वाला हूँ ना, तो मैं बंदे को भेज के गाड़ी यहाँ मंगवा लूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो डिलीवर का? क्या बात कर रहे हैं आप। हेलो, नाम सुनिए, आपने गलत गलत बंदे को कॉल कर लिया, ठीक है, और आपने जब कॉल कर तूने जब कॉल करके बताया ना कि ये प्राइस निकला है फेसबुक से, तभी मुझे लगा कि तू कोई है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ताकि जनता को पता चले तुम लोग कैसे इनाम के लालच दे के लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। अरे वीडियो बना के क्या कर लेंगे, आप जो करना है जाइए कर लीजिए। अच्छा सुन, तेरा तो आईपी एड्रेस में, तेरा तो आईपी एड्रेस में चेक ट्रैक कर लूंगा, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये प्राइस के लालच दिखा के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, और इस तरीके का हमें बहुत सारा कंप्लेन आता है, इस तरीके का प्राइस का लालच दिखा के लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांग के लोगों के साथ स्कैम करते हैं। जब इसने कॉल किया था मुझे, बोल रहा था कि प्राइस लगा है फेसबुक से, तभी मुझे पता चल गया कि ये एक स्कैम है, और इस तरीके का कंप्लेन हमें डेली आता है, बहुत सारे कंप्लेन आते हैं, बहुत तरीके का स्कैम होता है। सो जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो, सब लोगों को पता चले कि इस तरीके का स्कैम अब इंडिया पे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है।